नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर खास कार्यक्रम दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की गंगपुर सिसवन पंचायत के वार्ड नंबर 18, जहां से धनंजय कुमार शर्मा वार्ड सदस्य हैं। धनंजय कुमार शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपने वार्ड में विकास के अनेकों काम करवाए हैं। अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें फिर से मौका दिया तो वो अपने वार्ड में अधूरे पड़े कामों को पूरा करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार, राइज में स्वागत है आपका। सिवान जिला के सिसवन प्रखंड पंचायत गंगपुर सिसवन में पहुंचे हुए हैं वार्ड सदस्य 18 के पास। मेरे सामने यहां पे वार्ड सदस्य मौजूद हैं, इनसे हम परिचय करना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। धनंजय कुमार शर्मा जी, ग्राम पंचायत रज गंगपुर सिसवन के 18 नंबर वार्ड है हम। जी। 5 सालों के अंदर किस तरह का विकास के काम आपने किया है? देखिए नीतीश कुमार जी, जितना विकास का सोच रहे हैं जी, हमारे तरफ से तो हम तो चाहेंगे कि मतलब उनके सपनों को यहाँ पे ठेस पहुँचाया जा रहा है। जी। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे हिसाब से जितना हुआ, हमारे मुखिया के तहत ही हुआ, हमारे जो ग्राम पंचायत के मुखिया है जी, वो हमको उतना काम नहीं दिए 5 सालों के अंदर। आज भी मेरे वार्ड में ऐसे ऐसे काम पड़े हैं अति आवश्यक, जिनको नहीं दिया गया जी। उसके बावजूद भी जी, मेरे को बस केवल नल जल योजना का काम दिया गया जी, हम उतना कराए। उसके बावजूद हम मतलब इतना मतलब जन समस्याओं को लेकर झेलते हुए भी जितना बार मुखिया जी के पास भी गए विकास करने का बोले, लेकिन उनका मतलब एक व्यक्तिगत मेरे से मतलब दुश्मनी है। दुश्मनी ये है कि उन लोग मुखिया जी के जो दुश्मन आदमी है वो लोग मेरे करीबी आदमी है, ये जिनके मेरे दोस्त हैं। अब ये बताइए कि अपना करियर के लिए हम एक वार्ड सदस्य हैं और मेरा कोई दोस्त अगर कोई है तो दोस्ती छोड़ना पड़े अपना करियर को लेकर, तो ये तो दोस्ती में तो हम बात है। हम अपने किसी भी दोस्त को नहीं छोड़ सकते हैं, भले मेरा करियर जो भी है जैसे भी है, इसी को मतलब अंदर रख के मुखिया जी ने मेरे वार्ड में विकास नहीं है उन्हें दूर अभी तक मेरे साथ दोगला राजनीति किया गया जी। अभी आपने 5 सालों में नल जल के काम अच्छे तरह से कराए हुए हैं, कितने घरों में आपने नल जल का पानी पहुंचाने का काम किया? 175 घरों में हमने कनेक्शन दिया है जी। आज भी कितने फीट नीचे का पानी घर घर पहुंचाने का काम किया? 410 फीट नीचे का पानी हमने पहुंचाया है हर घरों में, जिन जिन घरों में मैंने जिन मतलब एक ही मेरे को काम मिला 5 सालों में, मेरे को मतलब मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया जी। उसके बावजूद भी आपने कितने टाइम पानी पहुंचाने का काम करते हैं? हम 3 टाइम मेरा पानी जाता है और किसी के घर में भी अभी जाके आप पूछ सकते हैं जी। अभी मेरा पानी चलता ही होगा। कितने लोग आपके यहाँ राशन कार्ड से वंचित है, कितने लोग को राशन कार्ड दिलवाने का काम किया? देखिए ऐसा तो नहीं है, इसके पहले भी मतलब जो भी डीलर साहब है चाहे जो भी है यहाँ के, हम लोग अपने मतलब देखने में एक भी कार्ड नहीं छोड़े हैं, घर घर घूम के हम खुद सर्वे किए हैं। बस इतना यंग होने के नाते हमको मतलब राजनीतिक में अपना जो कुछ भी नहीं है, बस हम इतना देखे हैं कि मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं वो मतलब इन चीजों से अछूते न रह जाए। हम घर घर जाके सर्वे किए हैं, घर घर जाके कितने आपके 18 नंबर वार्ड में कितने लोगों के पास वृद्धा पेंशन आप दिलवाने का काम किए हैं, कितने लोग वंचित हैं? हमारे वार्ड में तो लगभग अभी 250 आदमी का हम खुद अपने से फॉर्म लेके भर के उन लोग का सबमिट करवाए हैं, जो 7 साल सेवक हो गए हैं उनको अभी लाभ मिल रहा है। अच्छा, अब वंचित तो आपके 18 नंबर वार्ड में कितने घरों में आपने इंदिरा आवास दिलवाने का काम किया है? इंदिरा आवास का तो देखिए अभी तक तो मतलब हमारे पंचायत में नया नहीं है, लेकिन पहले जो लिस्ट बना था तो हम लोगों ने खुद घूम के सर्वे किया था, उसमें जिन लोगों का देने लायक है जो ऑफिसर साहब आए थे उनसे जाके हम लोग बात किए कि मतलब जिन जिन लोगों को देना है आप अपने से चल के सर्वे कीजिए, हम लोग बता रहे हैं। मतलब जिनका कोई मतलब एक भी घर नहीं है, हम लोग वैसे आदमी को जाके चुन के उनके सामने नाम लिखवाए हैं। बाकी अगर आता है तो ये तो नीतीश कुमार जी का धन्यवाद है जो गरीबों को लाभ पहुंचे। इस तरह का आपने कोरोना जैसा महामारी बीमारी में गरीब मजदूर को वैक्सीन दिलवाने का समझाने का प्रयास किया है? देखिए ज्यादा तो कुछ हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट बार जो कोरोना का लहर आया था उसमें मतलब मुखिया जी ने जो भी है मतलब एक साबुन जाए जो भी 2-4 मास्क दिया था बांटने के लिए हम बांटे, लेकिन अब की टर्म वाले में मेरे से दुश्मनी होते हुए भी वो मेरे को मास्क नहीं दिया, वार्ड होते हुए भी दूसरे को दे दिया बांटने के लिए। अपने तरफ में अपने 18 नंबर वार्ड में वैक्सीन
कंसुई पड़ रहा है, आपने गरीब मजदूर को किस तरह से समझा कर दिलवाने का काम करवाया? देखिए मेरा एक ऑनलाइन का दुकान भी है वहाँ पे वैक्सीन, आज भी आप जाके पूछ सकते हैं वहाँ पे, जितने भी हमारे लोग हैं वो ये मतलब नहीं है कि वो मेरे ही वार्ड के हैं, अलग भी अगर वार्ड के हैं तो उनको वहाँ पे फ्री में रजिस्ट्रेशन हम लोग करके उनका जीरोक्स कॉपी निकाल के हम लोग जो जो लगता है वो अपने दुकान से लेके उन लोग को भेजते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। किस तरह का एराई न्यूज में संदेश अपनी 18 नंबर वार्ड को गरीब मजदूर को देने का काम करेंगे? देखिए हम तो बोलेंगे इस न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी है जी कि मतलब जितने भी हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हमारी जो सरकार है, जैसे हम बोलते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, जैसे कि आप भी देखते होंगे, आप भी न्यूज चैनल वाले हैं, मतलब मेरे उम्र का लड़का है कोई भी अगर वार्ड अगर आपको दिखे तो वो मतलब एक अचंभा ही हो सकता है, लेकिन फिर भी बिहार के लिए हम इतना कम उम्र में जीते, लेकिन हम जितना सहयोग और अपने से जितना संघर्ष किए उतना शायद ही कोई किया होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर काम को लेके ही हो चाहे जो कुछ भी, हम पूरा गिड़गिड़ाते रह गए, यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन सबके सब ऊपर के ऊपर मिले हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा लड़े अपने गरीब के लिए अभी भी लड़ते हैं, और कोई 12 बजे रात को भी कहीं एक्सीडेंट हो जो भी है तो सब लोग हमको खोजता है, हम जाते हैं वहाँ पे। तो क्या आपकी बार जनता पब्लिक आपको आशीर्वाद देगी जिताएगी, तो किस तरह के अपने वार्ड में काम करने का जनता को दिखाने का काम करेंगे? देखिए हम तो बोलेंगे कि अगर जनता हमको मतलब वो सहयोग देती है तो हम पहले से भी बेहतर करके दिखाएंगे, क्योंकि पहले वाले में तो मतलब ऐसा दुबला राजनीतिक मेरे साथ हुआ, और वो भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को ठेस पहुँचाया गया। नीतीश कुमार जी ने मतलब ये उनका मतलब ये दिल का बात था कि वार्ड लोगों तक ये विकास पहुंच पाए, वार्ड लोग विकास कराए, लेकिन इसमें कुछ दोगले किस्म के मुखिया जी लोग मिल के वार्ड लोग का करियर बर्बाद किए। करियर से बस नहीं है कि ये कमाना हो माना, उन लोगों को विकास दे के विकास होते हुए भी उनके वार्ड में विकास नहीं कराया गया, ये सबसे बड़ा अहम बात है। तो हम तो चाहेंगे कि अगर मेरी बातों को अगर कहीं तक जा रही हो तो लोग सुने, नीतीश कुमार जी को भी ये बात को सोचना चाहिए कि आप जिस अधिकार जिसको दिए हैं क्या वो अपना अधिकार पूरा कर नहीं कर पाया है, या अपने अधिकार को उतना मतलब उचित ढंग से कर पाया है, तो ऐसा बिहार में अभी तक नहीं है, कहीं ना कहीं वैसे वैसे मैंने अब की बार जनता आपको वोट देकर जिताएगी तो जनता के प्रति आपने किस तरह के अपने सोच बदलेंगे? देखिए मेरा तो सोच बहुत पहले से है, जनता भी जानती है सब, ठीक है हम जहाँ पे हैं जैसे हैं वो हैं, हम अपना नुकसान सह सकते हैं लेकिन जनता का कभी नुकसान नहीं सह सकते हैं। आज तक मेरे साथ ऐसा भी है, हम हर नुकसान अपना सहते हुए भी जनता का मदद किए हैं, बस मेरे ऊपर कुछ नहीं है, बस जनता का भरोसा है मेरे ऊपर।